ओसामा बिन लादेन दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में से अलकायदा का सरगना था, जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को चुनौती देने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी इस कोशिश का परिणाम ही हुआ कि जिस देश में ये रहता था वहां इसके पूरे संगठन पर खतरे के बादल बरसने लगे। जब तक जिंदा रहा चूहों की तरह बिल में छुपा रहा, और जिस दिन मरा तो कुत्ते की मौत मरा। लेकिन अमेरिका की जो एजेंसियां और अमेरिकी फौज सालों साल तक ओसामा बिन लादेन का पीछा करते रही, लेकिन ओसामा बिन लादेन की किसी को भी एक झलक भी देखने को नहीं मिली। फिर अचानक एक दिन खबर आती है कि ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मार दिया गया। आखिर वो अचानक रातों रात ऐसा कैसे हो गया? ये सडनली मिले किसी इनपुट का कमाल था, या फिर एक सोची समझी स्ट्रेटजी? हमारे आज के वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि हम ऐसे कुछ सवालों के ऊपर आपको जवाब देने वाले हैं। समय था मई 2009। अमेरिका के सिचुएशन रूम में सीक्रेट बैठक चल रही थी, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ सिक्योरिटी से जुड़े महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। ये मीटिंग जैसे खत्म हुई, राष्ट्रपति बराक ओबामा, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ राम इमैनुअल, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टॉम टोनिनल, CIA के चीफ लियोन पेनेटा के साथ व्हाइट हाउस के ओवल हाउस में चले गए और दरवाजा बंद करके उनसे सीक्रेट बातचीत शुरू की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने का अभियान तेज किया जाए और इस मामले में प्रोग्रेस की पूरी रिपोर्ट हर महीने उनकी टेबल पर होनी चाहिए। ओसामा बिन लादेन की तलाश में फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा अपनी ऑटोबायोग्राफी द प्रॉमिस्ड लैंड में इस घटना का जिक्र करते हैं। 9/11 की 9वीं बरसी से ठीक एक दिन बाद थी। CIA के निर्देशक लियोन पेनेटा और उनके ठीक नीचे काम करने वाले माइक वॉरेल समय लेकर मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अभी हमें ओसामा बिन लादेन के बारे में बहुत ही शुरुआती जानकारी मिली है। हमें अलकायदा के एक मैसेंजर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसका नाम अबू अहमद अल कुवैती है। हमारे डिटेक्टिव्स का कहना है कि इस आदमी के ओसामा बिन लादेन से क्लोज रिलेशनशिप है। हमारे डिटेक्टिव ने उन पर नजर रखी, उनके फोन पर भी हमारे जासूसों ने बराबर नजर रखी, और वो हमें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद के बाहरी इलाकों में बने हुए एक अहाते में लेकर गए। लगभग 2 महीने बाद 14 दिसंबर 2009 को लियोन और माइक की जोड़ी एक बार फिर बराक ओबामा से मिलने के लिए पहुंची। उनके साथ CIA के काउंटर टेररिज्म सेंटर और ओसामा बिन लादेन अभियान के हेड और एक विश्लेषक भी थे। उन्होंने पाकिस्तान के उस जगह के बारे में तमाम जानकारी मिस्टर प्रेसिडेंट को दी, जहां ओसामा बिन लादेन के होने की इन्फॉर्मेशन थी। CIA के पूर्व निदेशक लियोन पेनेटा ने अपने बायोग्राफी में लिखा है, एबटाबाद के बाहरी इलाकों में जिस घर पर हम लोग निगरानी रखे हुए थे, वो घर आसपास के प्लॉट से कई गुना बड़ा था, अपने बगल वाले प्लॉट से 8 गुना बड़ा था, और इसके मालिक इब्राहिम थे। लेकिन उनकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो इससे करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते थे। इसके अलावा एक बात और थी कि इस प्रॉपर्टी के मालिक होते हुए भी वो अहाते में रहते थे, जबकि उन्हें घर के मेन हिस्से में रहना चाहिए था। ये एक मकान 3 मंजिला था। सबसे ऊपर की मंजिल पर बालकनी थी और उस बालकनी को दीवार से कवर किया गया। इस बात पर भी सवाल उठता है कि आखिर बालकनी को दीवार से क्यों कवर किया गया। ये भी देखा गया कि कोई आदमी कभी कभी नीचे उतर कर अहाते में तेज कदमों से चला करता था। हमारे डिटेक्टिव ने उसे बेसर का नाम दिया हुआ था। इसके अलावा घर का कूड़ा, जो कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दिया जाना चाहिए था, उसे ना देकर घर के लोग उस कूड़े को अहाते के भीतर ही जला दिया करते थे। डिटेक्टिव का मानना था कि द बेसर ओसामा बिन लादेन हो सकता है। अपनी बायोग्राफी में ओबामा आगे लिखते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो ऑप्शन हमारे पास थे, उनमें से एक तो ये था कि हम एयर अटैक के जरिए उस पूरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दें, फिर दुनिया से ये कह देंगे कि ओसामा बिन लादेन मारा गया, लेकिन इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। इससे एक बेनिफिट ये भी था कि पाकिस्तान की सरजमी पर किसी भी अमेरिकी के मारे जाने की संभावना नहीं थी, लेकिन इससे एक समस्या ये थी कि यदि एयर स्ट्राइक के जरिए इस प्रॉपर्टी को हमने डिस्ट्रॉय किया, तो भी ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि वहां ओसामा बिन लादेन मौजूद था। अलकायदा ने ओसामा के मारे जाने का खंडन कर दिया, तो फिर अमेरिकी ये साबित नहीं कर पाएंगे ओसामा बिन लादेन मारा गया, और ये भी संभव है कि उस एयर स्ट्राइक में आसपास के निर्दोष लोग भी मारे जाएं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के वाइस प्रेसिडेंट हास कास्ट ड्राइव ने मिस्टर प्रेसिडेंट से कहा कि वो किसी भी ऐसे मिशन को परमिशन नहीं दे सकते जिसमें 30 से 40 लोग मारे जाएं, बट जो हमारा टारगेट है उसके मारे जाने की पॉसिबिलिटी 100% ना हो।
इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन ये था कि कुछ चुनिंदा ट्रेंड मिलिट्री सैनिक उस प्रॉपर्टी में हेलीकॉप्टर के जरिए अंदर जाएं, वहां मौजूद ओसामा बिन लादेन पर इतनी तेजी से हमला करके वापस आ जाएं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पुलिस को रिटेलिएट करने का टाइम ही न मिले। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन पर काम किया जाने लगा, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स के जरिए एबटाबाद की उस प्रॉपर्टी का 3-डायमेंशनल फिगर तैयार किया गया। जब इस अटैक की पूरी प्लानिंग हो गई तो वाइस एडमिरल मैक ग्रीवेन ने इस अटैक के बारे में मिस्टर प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया। प्लानिंग के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान के जलालाबाद से एक या दो हेलीकॉप्टर में अमेरिकन नेवी सील्स के सैनिक पाकिस्तान की एयर स्पेस में एंटर करेंगे। इसके बाद 29 मार्च को एक और बैठक बुलाएगी जहां मिस्टर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मैक्रेविन से सवाल पूछा, अगर हमारे सैनिकों का पाकिस्तान के फौजियों या पुलिस बल से आमना सामना होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर पाकिस्तान की वायुसेना हम पर अटैक करेगी तो उस समय हमारे सैनिक क्या करेंगे। इन सवालों पर ऑफिसर का कहना था कि पूरी की पूरी प्लानिंग इस बात को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि पाकिस्तान के सैन्य बलों के साथ हमारे सैनिकों का बिल्कुल भी काउंटर ना रहा हो। लेकिन बात केवल इतने से नहीं थी, उस घर में उतरकर ओसामा बिन लादेन को ढूंढना था। ऐसे सिचुएशन में अगर सैनिकों को समय लग जाए, ओसामा बिन लादेन किसी सेफ बंकर में चला जाए और पाकिस्तान के सैन्य बलों की हमारे सैनिकों के साथ फाइट शुरू हो जाए तो हम अपने सैनिकों को किस तरह निकालेंगे। इस पर ऑफिसर का कहना था, ऐसे सिचुएशन में हमारे नेवी सील उस प्रॉपर्टी में किसी और को घुसने नहीं देंगे। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान की सरकार से अपने सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए बात करेंगे। ओबामा के नजदीकी और भरोसेमंद लोगों ने प्लानिंग को सपोर्ट किया। इसमें लियोन पेनेटा, माइक वुलन, जॉन ब्रैनन शामिल थे। हालांकि इस प्लानिंग को लेकर हिलेरी क्लिंटन की अपनी चिंताएं थी। उनका कहना था अमेरिका के पाकिस्तान के संबंध खराब हो सकते हैं। साथ ही इस प्लानिंग में अमेरिकी सील्स का पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के साथ आमना सामना होने की संभावना थी, जबकि अमेरिका के तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर रॉबर्ट क्रीक ने इस मिशन को पूरी तरह से अपोज किया। उनका कहना था इसी तरीके के मिशन में अप्रैल 1980 के ईरान में 53 हॉस्टेज को छुड़ाने का मिशन फेल रहा और अमेरिका की काफी किरकिरी हुई। इस अभियान में अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय हुआ, 8 सैनिकों की जान चली गई थी। इसी वजह से जिमी कार्टर प्रेसिडेंट इलेक्शन हार गए थे। इसके बाद 28 अप्रैल की रात बराक ओबामा अपनी दोनों बेटियों को अपने रूम में सुलाने के बाद ट्रीटी रूम में गए और बास्केटबॉल का मैच देखने लगे। इसके नेक्स्ट डे यानी 29 अप्रैल को बराक ओबामा को शाम को मियामी में एक स्पीच देनी थी। इससे पहले अलबामा में तूसालूसा में तूफान से हुई बर्बादी का इंस्पेक्शन करना था, लेकिन इसके बीच उन्हें अपनी वाइफ मिशेल ओबामा और दोनों बेटियों को स्पेस शटल एंडेवर लॉन्चिंग को दिखाने भी ले जाना था। जाने से पहले बराक ओबामा ने अपने कुछ साथियों को ईमेल किया और उनसे डिप्लोमेटिक वेलकम रूम में आकर मिलने के लिए कहा। टेनिस मैकडानो, डाम डोनिनल, बिन डेली, जान ब्रिनल मिस्टर प्रेसिडेंट का वेलकम रूम में इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ साउथ लान में मरीन वन हेलीकॉप्टर उड़ान की तैयारी कर रहा था। उनके वाइफ और दोनों बेटियां शाशा और मालिया मस्ती करती हुई हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रही थी। डिप्लोमेटिक रूम में फाइनली बराक ओबामा ने इस एबटाबाद मिशन के लिए अपनी परमिशन दे दी थी। 2 मई 2011 अमेरिका में सुबह हो रही थी और पाकिस्तान में रात गहरी होती जा रही थी। बराक ओबामा व्हाइट हाउस के ऑपरेटर के जगाने के पहले ही जाग गए। मार्वेल निकलसन के साथ कुछ देर गोल्फ खेलने के बाद वो वापस व्हाइट हाउस आए और ओवल हाउस में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगे, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर में ओवल हाउस में डाइनिंग रूम में पहुंचे जहां वो मार्वेल निकलसन, रेगी लव, पीट राउस के साथ स्पेट्स खेल रहे थे। घड़ी में 2 बजने के साथ ही अफगानिस्तान के जलालाबाद हवाई अड्डे से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बहादुर नेवी सील्स को लेकर पाकिस्तान के एबटाबाद की ओर उड़ चले। उनके साथ एक पाकिस्तानी ट्रांसलेटर और आर्मी डॉग कायरो भी था। ओबामा सिचुएशन रूम पहुंचे जहां CIA के हेडक्वार्टर लैंगली से लियोन पेनेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्टेड थे। वो जलालाबाद से सीधे नेवी सील कमांडो से जुड़े हुए थे। दूसरे कमरे में एयरफोर्स से ब्रिगेडियर जनरल ब्रैगवेव एक मेज पर रखे कंप्यूटर से कनेक्टेड थे जिस पर इस अभियान की लाइव फुटेज आ रही थी। प्रेसिडेंट सीधे वहां पहुंचे और इस मिशन को लाइव देखने लगे। करीब 20 मिनट तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। बराक ओबामा के बाकी साथी भी वहां आ गए थे। थोड़ी देर बाद पेनेटा और मैक्रेविन एक साथ जहां जेरिनोमो EKIA, इसका मतलब है एनिमी किल इन फंक्शन, दुश्मन मारा गया, बराक ओबामा ने धीरे से कहा, वी गॉट हिम। लेकिन ये खुशी अभी अधूरी थी क्योंकि हेलीकॉप्टर अभी तक वहां से रवाना नहीं हुए थे। जैसे हेलीकॉप्टर वहां से रवाना हुए, लोगों की सांसें
तब तक अटकी रही जब तक वो सुबह 6 बजे अफगानिस्तान के जलालाबाद में लैंड नहीं कर गए। इसके बाद मैक्रेविन ने कहा, मेरे सामने ओसामा बिन लादेन का शव पड़ा हुआ है जिसे मैंने अपने एक सैनिक के साथ मैच करके देखा है। उसकी हाइट 6 फुट 4 इंच है। ओबामा मजाकिया लहजे में बोले कि आप इतने बड़े अभियान पर गए लेकिन मेजरमेंट करने के लिए टेप भी ले जाना भूल गए। दोस्तों हमें यकीन है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।